बाबूजी जो कुछ हुआ भूल जाइए उसे। पुरानी बातें सोचने से क्या फायदा, जो बीत गई वो बात गई। नहीं बेटी, जो बात मैंने तुझे नहीं बताई, जिन बातों के लिए मैं खत्म हो गया, तुम सबकी जिंदगी तबाह हो गई, वो तुम्हें मालूम होनी चाहिए। बच्चा प्रसाद मेरा बचपन का दोस्त था, मैंने उसे अपने कारोबार में बराबर का हिस्सेदार बनाया। लोगों ने मुझे बहुत समझाया, बहुत कहा कि ये अच्छा आदमी नहीं है। आखिर वो ही सच निकला जो मैंने सुना था। धीरे धीरे मथुरा प्रसाद ने अपना घर भर लिया और कंपनी का दिवाला निकल गया। क्या कंपनी का दिवाला निकल गया? मथुरा प्रसाद तुम तो मेरे दोस्त थे, मेरे दाहिने हाथ थे, फिर इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी साजिश क्यों? जवाब दो मथुरा प्रसाद। मैं बता रही हूं। चुप रहो बकराम। मैं अपने दोस्त के मुंह से सुनना चाहता हूं इसने मेरे विश्वास का खून कैसे किया। जवाब दो मथुरा प्रसाद। विश्वास का खून? दीवाला तो लगता है कि तुम्हारी अकल का भी निकल चुका है सुमेर सिंह, वरना आज ये तुम्हारा जिगरी दोस्त तुम्हें दुश्मन नजर नहीं आता। खैर, कंपनी की जो सही माली हालत है वह इन हिसाब के कागजात में दर्ज है, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना है। चलिए मुनीम जी। मालिक, हरी प्रभु दयाल गुप्ता को बुलाओ जी, जल्दी। हाँ मालिक। आप क्या कर रहे हैं ठाकुर साहब? सारी जमीन जायदाद बेच देंगे, ये हवेली गिरवी रख देंगे? हाँ प्रभु दयाल, और कोई रास्ता नहीं है। वो गरीब मजदूर जिन्हें महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, वो लेनदार जिनका लाखों का कर्ज मुझ पर है, उनका एक एक पैसा मुझे चुकाना होगा। लेकिन ठाकुर साहब आपके बच्चों का क्या होगा? स्वर्ग में बैठे आपके पुरखे क्या कहेंगे? प्रभु दयाल, ये जानकर कि मैंने गरीबों को धोखा दिया है, क्या मेरे पुरखे मुझे आशीर्वाद देंगे? नहीं प्रभु दयाल, नहीं। अगर मेरे बच्चों में मेरा खून है तो वो किसी के मोहताज नहीं रहेंगे, अपने पैरों पर खुद खड़े हो जाएंगे। प्रभु दयाल, मेरे दोस्तों ने मुझे बेवकूफ बनाया है, मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं बेईमान नहीं बनूंगा। बेटी माना करो, तुम उस पापी मथुरा प्रसाद को कभी माफ नहीं करोगी, उसके खानदान को कभी माफ नहीं करोगी। बेटी मैं वादा करती हूँ बाबूजी, जिन्होंने छोटी भैया के भविष्य पर डाका डाला, जिन्होंने आपसे दोस्ती के नाम पर दगाबाजी की, ऐसे विश्वासघातियों को मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। मल्लिका, सोमू, हरि काका, सोमू को जल्दी से ले आओ। बाबूजी, मल्लिका, बाबूजी, सोमू का आशीर्वाद दीजिए। सोमू, मानूं बाबूजी, बाबूजी।
बिटिया, यह संसार है, एक ना एक दिन हम सबको ये आसार संसार छोड़कर जाना पड़ता है। जो आया है सो जाएगा जरूर, इसलिए जब तक मनुष्य का जीवन है तब तक उसे अपना कर्म करना चाहिए। हमें सब कुछ भूलकर अपने जीवन में रोज एक नई महाभारत लड़नी है। रानी बिटिया, भगवान बहुत दयालु हैं, उन पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। अच्छा बिटिया, अब चलता हूं। भगवान तुमको शक्ति दे, साहस दे, शांति दे। जय श्री कृष्ण। रानी बिटिया, स्वर्गवासी ठाकुर साहब के बड़े एहसान हैं हम लोगों पर। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें जरूर याद कर लेना बेटा। क्यों नहीं रामू दादा, अब आप लोग और भगवान के अलावा हमारा है ही कौन। अच्छा बेटा, अब हम लोग चलते हैं। दीदी, भगवान बहुत खराब है, बहुत खराब है। चुम्मू? हाँ दीदी, भगवान बहुत खराब है, तभी तो उन्होंने बापूजी को हमसे छीन लिया। नहीं राजा भैया, भगवान ने बाबूजी को छीना नहीं, अपने गले से लगाया। आजा बेटा, आजा। जैसे ही शहर में ये मनहूस खबर सुनी दौड़ा चला आ रहा हूं। बेचारे दोनों देखते ही देखते अनाथ हो गए। लेकिन तुम घबराना नहीं बेटी, हम सब तुम्हारे अपने हैं। सुन रिया हूं, हवेली अभी तक गिरवी पड़ी है। ठाकुर साहब को जेवरात और नकद तो छोड़ ही गए होंगे ना? नहीं, कुछ भी नहीं। तब तो मुश्किल ही है। वैसे मैंने तुम्हारे पिताजी से भी बात की थी कि मलिका की शादी मेरे गणेश राम से कर दो, हवेली भी छुड़वा दूंगा और लड़की मजे में रहेगी। तो गुस्सा होकर बोले कि इस गधे के बच्चे से शादी करने के बजाय मैं अपने बच्चे का गला घोट दूंगा। अब मैं गधा, ये भी कोई कहने की बात थी? लेकिन बेटा, तुम तो समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, अपना भला बुरा खुद सोच सकती हो। मतलब मैं कहना चाह रहा था कि तुम्हारी तरफ से ये रिश्ता पक्का समझो। अगर आप तशरीफ ले जाएंगे तो मैं कुछ घर का कामकाज कर सकूंगी। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन ना गई। जा तो रिया हूं लेकिन बता के जा रिया हूं, तुम्हारी झूठी आन बान को नीलाम ना करवा दिया तो मेरा नाम नहीं। चल बेटा। अरे ना तो ये आ रिया है ना जा रिया है, खड़े खड़े गधे के बच्चे की तरह मुस्का रिया है। चल चल यहां से। रानी बिटिया, इस सनीचर का संतान का है आवारा रहा? बाबूजी की मौत पर शोक मनाने। शोक मनावे या खुशी मना रहा है? रानी बिटिया, ये भेड़ का खाल में भेड़िया है, अपने मालिक का नमक खाए चुका है, लेकिन बखत बदलने के साथ ही आंखें बदल ली। आज धमकी देके गवाह है तो जरूर कोई उलट फेर करी है। अब रह क्या गया है, सब कुछ तो तभी उलट गया था जब बाबूजी ने किसी दुश्मन को अपना दोस्त समझ लिया था। तो ठाकुर सुमेर सिंह हमें छोड़कर चले गए। ठीक ही हुआ सरकार, कम से कम दुनिया से घमंडी आदमी कम हो गया, दो अदद लावारिस औलादों को छोड़कर भिखारियों की तरह दफा हो गया। हुजूर, मेरी बात से आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मतलब आपके कमजोर दिल को कोई धक्का तो नहीं लगा? वही तो मैं कह रहा था सरकार, जैसा बाप वैसी बेटी, न तमीज न लिहाज, मुझे बैठने तक को नहीं कहा। काम की बात कीजिए मुनीम जी। वही तो कर रहा हूँ सरकार, हवेली गिरवी पड़ी है, इससे पहले कि कोई और उसे खरीदे हमें खरीद लेनी चाहिए। उसे तुड़वा कर एक शानदार अस्पताल या आपके नाम की गौशाला बनवाना चाह रहा हूँ। गांव में आपकी जय जयकार हो जाएगी और उसके साथ आपकी बची खुची बेइज्जती। माफ करना हुजूर। उस हवेली की कितनी यादगारें हैं। बचपन में मैं अक्सर वहां जाया करता था, मैं और सुमेर सिंह
इकट्ठे खेला करते थे, ना जाने क्या क्या सपने देखते थे। वक्त कैसे गुजर जाता है। हां तो मुनीम जी, अगर वो हवेली खरीदना ही है तो जल्दी से खरीद लीजिए, बाद में कहीं भाव बढ़ ना जाए। हुजूर आपने हुक्म दिया था, हुआ ही समझिए। अब भगवान बचाए, हुजूर चलूं? हुजूर नमस्ते। डैडी डैडी, ये देखो। क्या बात है बेटा? भैया का तार आया है, कल सुबह की फ्लाइट से आ रहे हैं वो। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, चलो अब आकर सब काम संभाल लेगा। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। डैडी कैसी बातें करते हैं आप। अरे बेटा, तेरे डैडी अब बूढ़े होते जा रहे हैं और वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा है। अच्छा डैडी। का बोल रही हो रानी बिटिया, अरे बखत बदल गया तो का हुआ। इतनी बड़ी हवेली, इतने बड़े बाप की बेटी, इतने बड़े खानदान की संतान, बाहर निकल के रोटी रोजी तलाश करिए। अरे राम राम राम, लोग का कहेंगे, स्वर्ग में बैठे हुए पुरखे का कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहेंगे, जो काम मैंने चुना है इसमें कोई बुराई नहीं। स्कूल में टीचर होना सचमुच बहुत मान सम्मान की बात है। अरे आ गए बेटा। जीते रहो जीते रहो। सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कितने अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ बेटा। डैडी आप काफी थके थके से लग रहे हैं। उम्र थका देती है बेटा, और फिर वक्त तो गुजरता ही जाता है। देखो ना भैया, डैडी कल से यही रट लगा रहे हैं। अब तुम आ गए हो ना, सब कुछ संभाल लोगे और मैं फिर से जवानों की तरह इधर उधर घूमने लगूंगा। लंदन में तो काफी सर्दी रही होगी बेटा। हेलो भैया, आपका फोन। घर आते ही फोन, किसका है? खुद ही पूछ लो ना। समझा, डॉक्टर के बच्चे। हाय डॉक। यार सॉरी, हाँ हाँ, मरीजों से ही छुट्टी नहीं मिली, इसीलिए तो एयरपोर्ट पे लेने नहीं आया, रात को मिलते हैं। क्या? अच्छा अच्छा, वेल दैट्स लवली। तो ठीक है, आज रात के शाही भोज पर हम अपने आप को आपका मेहमान मानते हैं। डैडी इट्स रियली समथिंग, कितना बड़ा इंडस्ट्रियल एम्पायर खड़ा किया आपने, कब किया कैसे किया? बेटा मैंने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया, अब संभाले रखना तुम्हारा काम है। समझ में नहीं आता डैडी, इतना मुश्किल काम मुझसे कैसे होगा? सब हो जाएगा छोटे सरकार, शेर के बच्चे को कोई शिकार करना सिखाता क्यों बड़े सरकार? मैं तो सोच के घबराता हूँ, इतने दस्तखत इतनी फाइलें कैसे संभालूंगा अकेले। तो फिर जल्दी से दो केले हो जाओ और मैं भी दोनों मिलकर। तरीका अच्छा है डैडी, आप इनकी बात समझ गए ना। मैं तो कहता हूँ रेखा और अपने डॉक्टर साहब की शादी जरा जल्दी करवा दीजिए, ताकि इस डॉक्टर की डॉक्टरी बंद करवा के अकाउंटेंसी जल्दी शुरू करवा दें। बिल्कुल नहीं डैडी, भैया से अच्छा अकाउंटेंट सारी दुनिया में नहीं मिलेगा। पिछले 10 साल से इन्होंने राखी बनवाई के जितने रुपए दिए है ना, सारा हिसाब इनके पास मौजूद है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है ये। रेखा बहुत बोलने लगी है तू आजकल, तेरे कान खींचने पड़ेंगे। जो जो माफ कीजिए छोटे सरकार, मैं बीच में घुस रहा हूँ, पर आपके कारोबार की शुरुआत शहर से नहीं गांव से होनी चाहिए, क्यों बड़े सरकार? हाँ मुनीम जी, आपने अच्छी याद दिलाई। बेटा तुमने तो अपने बाप दादा का गांव कभी देखा ही नहीं, वहां एक बहुत पुरानी हवेली है, मुनीम जी चाहते हैं कि हम वो हवेली खरीद लें, लेकिन मेरे हिसाब से उसकी कीमत कुछ ज्यादा ही मांगी जा रही है। अजय बेटा तुम जरा वहां चले जाओ और जाकर देखो कि हवेली खरीदने लायक है भी कि नहीं, ये पहली जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूं मैं। कितना अच्छा लग रहा है, जी चाहता है हमेशा के लिए यहीं बस जाऊं। बस 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 छोटे सरकार, हर अच्छाई में एक बुराई अवश्य होती है, जिस हवेली को हम देखने जा रहे हैं वहां पर साक्षात एक विष्कन्या रहती है। विष्कन्या? हाँ छोटे सरकार, बड़ी टेढ़ी खीर है, भगवान बचाए लड़की क्या है, जहर की पुड़िया है। अच्छा, लेकिन जहर को जहर ही काटता है। मतलब? अगर किसी जहरीली चीज को
पहले हम काट ले तो बस बेड़ा पार समझिए मैदान में। अरे अरे सरकार मुड़ियो 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 बस रोकी सरकार रोकी 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 आइए सरकार आइए आइए। ये रहा हमारा बंगला। जी हाँ बड़े सरकार ने पौने 8 लाख रुपए खर्च करके बनवाया ये बंगला। अच्छा जी डैडी का ये छुपा हुआ खजाना तो मुझे मालूम ही नहीं था। अजी देखते जाइए बड़े सरकार के खजाने में कितने बड़े बड़े हीरे। अरे वो हीरालाल कहाँ गया? अरे माली ए हीरालाल कहाँ भांका के सूखे पड़ा हुआ है। आप रुकिए सरकार मैं अभी ढूंढ कर लाता हूँ ठहरिए। अरे हीरालाल ओ हीरालाल ए माली। पीछे दौड़ा था। हाय दोस्त। हाय। हाँ सबसे पहले मैंने इसे देखा और दौड़ता चला आ रहा हूँ। लेकिन इस कटी पतंग को पकड़ा तो मैंने इसलिए मेरी है। आप तो इतने बड़े हैं मेरा तो हाथ ही नहीं पहुँचा। मेरा तो पहुँच गया ताकि इसे पकड़कर मैं तुम्हें दे सकूँ। क्या नाम है तुम्हारा? सोमू। कहाँ रहते हो? यहाँ से थोड़ी दूर। वो गाड़ी आपकी है? हाँ। बहुत अच्छी है। बैठोगे? नहीं दीदी नाराज होंगी। वो कहती है कभी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अरे मगर तुम मुझसे मांग कह रहे हो। मैं तो खुद तुम्हें बैठने के लिए कह रहा हूँ। चलो घुमाते आओ। लग रहा है सोमू? बहुत अच्छा। हम कितनी तेजी से जा रहे हैं। अब तो हम दोस्त बन गए हैं। जब भी तुम चाहो इस गाड़ी में दूर दूर तक घुमा करेंगे हम। करेक्ट? अच्छा अच्छा अब घर चलते हैं वरना तुम्हारी दीदी सचमुच बहुत नाराज हो जाएंगे। ठीक है सोमू आज तुमने बहुत बुरा किया। अनजाने लोगों के साथ दोस्ती करना अच्छी बात नहीं। लेकिन दीदी वो तो बहुत अच्छे हैं। सोमू अभी तू छोटा है तुझे मालूम नहीं अच्छा कौन है और बुरा कौन है। जैसा मैं कहती हूँ तुझे वैसे ही करना चाहिए। जी दीदी। चलो खाना खाएं। मुनीम जी मैं कह रहा हूँ छोटे सरकार आपने तो मुझे डरा दिया अचानक गायब हो गए। भगवान बचाए अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं बड़े सरकार को क्या जवाब देता। मैं बच्चा नहीं हूँ मुनीम जी जो इतने छोटे से गांव में खो जाता। घर छोड़िए। हाँ कल हवेली में जाकर आपको सख्ती से काम लेना होगा क्योंकि वहां पर जो देवी डेरा डाले बैठी है वो आपके पूज्य पिताजी के मित्र ठाकुर सुमेर सिंह की बेटी है। अच्छा किसी ने मुझे बताया नहीं? जैसा बाप वैसी बेटी। बुरे वक्त ने उसका इतना दिमाग बुरा कर दिया है कि जो भी सामने आता है उस पर सारी बुराई थोप देती है। मुझे तो लग रही है कि बेचारी का दिमाग ही बराबर नहीं रिया। फिक्र मत कीजिए मुनीम जी एक बार मुलाकात होने दीजिए होश ठिकाने आ जाएंगे। रानी बिटिया सुना तुमने? क्या हुआ हरी काका? वो रावण का बेटा मेघनाथ हवा है। मतलब? रानी बिटिया वो बेईमान मथुरा प्रसाद चौधरी का बिटवा हुआ है। साथ में नमक हराम मुनीम भी आवा है और खबर भेजी है कि कल सवेरे वो यहाँ पर आ रहे हैं। बेटा अब जरूर कोई न कोई गुल खिली है। वो आ रही है। फिर से कह रहा हूँ छोटे सरकार होशियारी से सख्ती से। नमस्ते मैं अजय प्रकाश चौधरी हूं।
आपके स्वर्गीय पिता के दोस्त श्री मथुरा प्रसाद चौधरी का बेटा, शायद आप पहचान गई होंगी। जी पहचान गई, ये पहचान गई कि मैं किसी ऐसे आदमी के सामने खड़ी हूँ जिनके पिता मेरे पिताजी की मौत के जिम्मेदार हैं। जी मैं समझा नहीं। कितने नासमझ हैं आप, लेकिन आपके साथ जो सज्जन आए हैं उन्होंने बताई नहीं उस धोखेधड़ी की कहानी जिसकी वजह से एक खानदान तबाह हो गया। हाँ मैंने भी सुना है, आपके साथ जो भी बुरा होता है उसके लिए आप हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराती हैं। खैर छोड़िए इन बातों को, मैं ये अर्ज करने आया था कि यह हवेली गिरवी है और हम इसे खरीद रहे हैं, इसलिए यहां के गैर कानूनी रहने वाले कृपा करके कहीं और चले जाएं तो अच्छा ही है, नहीं तो जबरदस्ती से निकाल देंगे ना। लेकिन उसके लिए अदालत से एक छोटा सा हुक्मनामा लेना पड़ता है, आपको नहीं उनको तो मालूम होना चाहिए था। लेकिन तब तक मैं यहाँ की मालिक हूँ और मैं बाहर की किसी भी आदमी को अंदर आने की इजाजत नहीं देती। नमस्ते। मैं कह रही हूँ अपनी हैसियत से आगे नहीं बढ़ना, दिखाई नहीं दे रही है कि मैं सामने खड़ा हूँ। देख रही हूँ बिके हुए लोग कितने गिरे हुए होते हैं। और मैं भी देख रहा हूँ गिरे हुए लोग कितने बदतमीज होते हैं। वैसे शराफत का तकाजा यही था कि आप शराफत से पेश आती। शराफत उनके साथ की जाती है जो खुद शरीफ होते हैं, उनके साथ नहीं जिनके खून में धोखा फरेब और बेईमानी हो। बदतमीज लड़की, ये मत समझना कि हम जवाब नहीं दे सकते। जवाब देने के लिए जवाब होने चाहिए, जवाब जल्दी मिल जाएगा। चलिए मुनीम जी। जा तो रिया हूँ लेकिन ये बता के जा रिया हूँ, इस बेइज्जती के बदले खून के आंसू न बहाना पड़े तो मेरा नाम नहीं, एक बार हवेली हमारे नाम पे हो जाने दो, फिर देखता हूँ तुम्हारी जुबान कितना जहर उगलती है। चलिए सरकार। ये आदमी सांप से भी ज्यादा खतरनाक है, ये कुछ हो कर सकत है, न जाने कौन सा तूफान आए, कौन सा तूफान आए। मैं कह रहा हूं सरकार आप शांत हो जाइए, मैं वचन दे रहा हूं इस अपमान का बदला लिया जाएगा। प्रभु दयाल गुप्ता जिसके पास ये हवेली गिरवी पड़ी है कल सुबह ही आ रहा है, चाहे जितने पैसे खर्च हो जाएं, कागजात हमें चाहिए, कानूनी कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद वो तूफान उठेगा, ये सब तिनके की तरह उड़ जाएंगे। सोमू, सोमू मैं जानती हूं तो अभी तक सोया नहीं, इधर देख मेरी तरफ देख, नींद नहीं आ रही है, डर लग रहा है। डरने की क्या बात है, तूफानों से कभी नहीं डरना चाहिए, फिर मैं जो हूं तेरे साथ। आ जा अपनी आंखें बंद कर ले, मैं तुझे सुलाती हूँ। Thank you.
मैं कह रहा हूँ आपको तो नोट गिनते गिनते पसीना आ रहा है, पूरे तो है ना? जी हाँ पूरे हैं मुनीम जी। धन्यवाद छोटे सरकार, अब हवेली आपकी हो गई। क्षमा कीजिए श्रीमान जी, अभी तो कागजात हमारे हुए हैं। हाँ कुछ दिनों के बाद हवेली भी हमारी हो जाएगी। अच्छा छोटे सरकार मैं जा रही हूँ, अदालत में जरूरी कागजात आज ही दाखिल करवाने हैं। मैं भी चलूं छोटे सरकार? हाँ छोटे सरकार एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे क्या? छोटे सरकार मैं एक छोटा मोटा सूदखोर साहूकार हूं, सूद लेना मेरा धर्म है। कहते हैं कि सूदखोर अपने बाप को भी नहीं छोड़ता। वो हवेली कब से मेरे पास गिरवी पड़ी थी, ऐसा नहीं कि इस बीच में मुझे पैसे की जरूरत नहीं थी। मन में बार बार आया हवेली को बेच दूं, मगर चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सका। हवेली बेचने का मतलब था स्वर्गीय ठाकुर साहब के बाल बच्चों का बेघर बार हो जाना। आप कहेंगे मुझे से सूदखोर के पास तो आत्मा नाम की चीज होनी ही नहीं चाहिए। शायद आप ठीक ही सोचते होंगे। अब मालिक आप हैं, तो मैं नहीं कर सका, शायद आप कर सके। अरे रानी बिटिया सुना तुमने, उस शैतान बाप के शैतान बेटे ने क्या किया, ऊंचे से ऊंचा भाव लगा के प्रभु दयाल गुप्ता से हवेली के सारे कागज खरीद लिए और अब उस शैतान मुनीम को अदालत भेजा है ताकि हम लोगों को हवेली से निकाला जा सके। रानी बिटिया तुम चुप रहत हो, लेकिन हम चुप नहीं रहबे। हम पंचायत जेबे, गांव वालन के इकट्ठा करबे और कहबे भैया हमरे साथ न्याय करो। अरे काका ऐसा कुछ भी करने से अब कोई फायदा नहीं, कानून उनके साथ है, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे भगवान तो कर सकते हैं, भगवान इतना बड़ा अन्याय होत नहीं देख सकत। वो जालिम के जरूर सजा दी है, जरूर सजा दी है बिटिया। भगवान की बात भगवान ही जाने, मुझे तो इतना पता है स्कूल जाने का वक्त हो गया है। आप मल्लिका से मिलना चाहते हैं? जी अगर कोई एतराज ना हो तो। लेकिन वो तो अब स्टोरी क्लास ले रही है बाहर मैदान में। अच्छा जी नमस्ते। बहुत दिन हुए, एक देश में एक राजा राज करता था। राजा सबको प्यार करता था और सब आदमी भी उसे बहुत मानते थे और बहुत इज्जत करते थे। एक दिन एक आदमी राजा से मिलने आया, वो बहुत दुखी था, उसके पास धन दौलत कुछ भी नहीं था, उसको किसी का प्यार भी नहीं मिला। राजा ने उस अनजान आदमी को अपना दोस्त बनाया, उसे प्यार दिया, विश्वास दिया और उसे बहुत ऊंचा उठा दिया। अचानक उस देश में अकाल पड़ गया, बादलों ने बरसना बंद कर दिया, चिड़ियों ने गाना बंद कर दिया। तब जाकर राजा को पता चला वो आदमी इंसान के वेश में शैतान था, जो राजा की सुख शांति बर्बाद करने आया। बोलो बच्चों तब क्या हुआ होगा? अच्छे राजा ने शैतान को मार डाला। नहीं, शैतान ने अच्छे राजा को मार डाला। दीदी फिर तो ये कहानी बहुत खराब है। बहुत सी कहानियां खराब होती हैं, लेकिन बुरी कहानियों का भी एक संदेश है, हमें बुराई से बचकर रहना चाहिए। भूलिएगा नहीं, 5 दिन में किताब वापस आनी चाहिए। हाँ रानी बिटिया, इस दफा नहीं भूलूंगा। मुझे भी एक किताब चाहिए। कौन सी किताब?
पिता हो अकल। ऐसी कोई किताब इस लाइब्रेरी में नहीं है, लेकिन आपकी याददाश्त में तो जरूर होगी। जरा सोच के तो देखिए। क्यों, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं? ताकि जो पिता हुआ कल था वो मुझे मालूम हो जाए। मैं जानना चाहता हूं कि आपके पिताजी और मेरे डैडी की दोस्ती दुश्मनी में क्यों बदली। आखिर हुआ क्या था? जान मिलेंगे तो क्या कर लेंगे आप? वैसे बंद तो आप ऐसे रहे जैसे आप सच में कुछ नहीं जानते। मैं बता तो रही हूं सरकार, ठाकुर सुमेर सिंह महाझूठे, महाघमंडी, महाआकड़ू थे। मतलब इसीलिए तो उनका दिवाला पिट गया। और आपके पिताजी, श्रेष्ठ ने अपनी सूझबूझ से मेहनत मशक्कत की, ऊपर उठे और उठते चले गए। अब जो नीचे रह गए वो ऊपर वाले से जले ही जले, गाली दे ही दे। अच्छा तो छोटे सरकार, आपका काम तो खत्म हो रहा है और मेरा शुरू हो रहा है। आप चाहे तो शहर जा सकते हैं, मैं हवेली और हवेली वालों की धुलवाई का प्रबंध करवा रहा हूं। नमस्ते। मुझे ये जानना ही चाहिए कि वो मेरे खानदान के लिए इतनी नफरत क्यों पाल रही है। क्यों? नमस्ते। अब आप रोज इसी रास्ते से आती जाती हैं। सुनिए, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। इतने बड़े बाप की बेटी होने पर भी आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हर चीज की खत होती है, मकारी की भी। मुझे आपसे कुछ कहना है। ताजुब है, लोगों के पास कहने के लिए अभी भी कुछ बाकी है। देखिए, आपके बाबूजी और मेरे डैडी बहुत अच्छे दोस्त थे, फिर किसी गलत फहमी ने उन्हें अलग कर दिया था। क्या हम दोनों मिलकर इस गलत फहमी को सुधार नहीं सकते? क्या दोस्तानी के अच्छे दिन फिर वापस नहीं आ सकते? कितनी मुश्किल बातें कुछ लोग कितनी आसानी से कह लेते हैं। किसी को किसी की जिंदगी से बेदखल करके जानबूझकर उनका बेबसी का तमाशा बनाते हैं। सचमुच जब आंखों में शर्म का पानी नहीं रहता तो लोग बेशरम हो जाते हैं। रेखा, तुम्हें फिक्र लगी होगी कि ऐसी जगह में मैं कैसे रुक गया, क्यों रुक गया। असल में एक अजीब घटना घटी है। पिछली जिंदगी की खुदाई करते करते हवेली के पुराने खंडरों से एक विष्कन्या निकली है। हाँ, जीती जाती विष्कन्या। उसकी पहनी आंखों में एक अजीब सा जादू है। उसकी जुबान जहरीली है, डसने के लिए हमेशा तैयार। तुमने पुराने जमाने के नीम हकीमों के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, जो लोहे को सोने में बदलने का ख्वाब दिखती थी। एक ऐसी ख्वाहिश से मैं भी खेल रहा हूं। मैं इस विष्कन्या का जहर अमृत में बदलना चाहता हूं। विष्कन्या खेल खतरनाक भी है, इसलिए खेलने के लायक भी है। क्या? क्या बात क्या है, बोलो ना। डूब गया बेचारा। बचाना बहुत मुश्किल है। क्यों, क्या हो गया भैया को? लवोमेनिया। क्या लवोमेनिया? यानी के प्यार की बीमारी। देखो मजाक मत करो, मुझे तो लगता है कि भैया जरूर किसी मुसीबत में फंस गए हैं। मोहब्बत से बड़ी और कौन सी मुसीबत हो सकती है मैडम? देखो अब तो मुझे वहाँ फौरन जाना चाहिए भैया की मदद के लिए। मैं डैडी से अभी परमिशन लेकर आती हूँ। तब तो मुझे भी दवाखाना बंद करके तुम्हारे साथ जाना पड़ेगा। कहीं वो विष्कन्या आपको डस न ले। सच, जिंदगी में आज पहली बार तुमने अकल की बात की है। इतने दिन तक तो मैं तुम्हें बच्चा ही समझती थी। तुम्हारे सामने तो बच्चा ही हूँ ना। नटी बॉय। ये क्या अब्दुल मियां कह रहे?
सवेरे आने को कहा था। अरे हूँ लाल बारे, लेकिन गाड़ी तो है नहीं। ये क्या गाड़ी कहाँ है? तुम अकेले कहाँ है? हम लोग पिकनिक पर कैसे जाएंगे? ओ, ठहरो बच्चों, दम तो लेने दो, आज पिकनिक नहीं होगी। पिकनिक नहीं होगी क्यों? आज अब्दुल मियाँ की गाड़ी खराब है। ये क्या अब्दुल मियाँ की गाड़ी आज ही खराब होनी थी? हम लोग कैसे जाएंगे, कैसे पिकनिक मनाएंगे? सोनू तू दीदी को जाकर बोल और कई गाड़ी का इंतजाम कर दे। अरे अजय भाई साहब, क्या दोस्त कैसे हो? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए, कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ देखिए ना, हम सब पिकनिक पर जाने वाले हैं, पर अभी पता चला कि अब्दुल मियाँ की गाड़ी खराब है। अब तो सचमुच बहुत गड़बड़ है। आप कुछ कीजिए ना अजय भाई साहब, आप कुछ कीजिए ना, आप कुछ कीजिए ना। करता हूँ करता हूँ करता हूँ। अच्छा तुम सब मिला के कितने हो? एक दो तीन चार बारह, मैं एक तेरा, हो जाए हो जाए। दीदी भी है ना, लाल भाई भी है ना? हाँ बोला बोला, सबको बोला। मैं दीदी को बुला कर लाता हूँ। हाँ भाई सब चलो, गाड़ी भरो गाड़ी में बैठो चलो। लाल भाई ये तो बहुत बुरा हुआ, इतने दिनों से सब बच्चे इसी मौके के इंतजार में, अब मैं उनको क्या मुंह दिखाऊं? दीदी 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 हो गया, गाड़ी आ गई। गाड़ी आ गई? हाँ दीदी, अब्दुल मियाँ के खटारे से कई ज्यादा अच्छी गाड़ी आ गई। चलो दीदी चलो चलो। अजय भाई साहब दीदी आ गई। ये मेरी दीदी है अजय भाई साहब। माफ कीजिएगा मैं इधर से जा रहा था, अचानक सोमू से मिल गया, मैंने देखा बच्चे पिकनिक पर जाना चाहते हुए नहीं जा पा रहे, इसलिए बगैर आपकी इजाजत की मैंने हाँ कर दी। अब मुझे मालूम नहीं था कि आप, अगर आपको कोई एतराज हो तो बच्चों।
पहले मिलन का वही एक दिन तो कारण है हर दिन के मिलन का मीठा होके दिखा अच्छे आदमी है ना, मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब मिलते हैं कहते हैं हेलो दोस्त कैसे हो। सोमू तुमने कल के पाठ की तैयारी की? थोड़ी सी बाकी है। तो चुपचाप पढ़ो। जी दीदी। एक बात बताओ दीदी, अजय भाई सब चाय पीते पीते बोले तुम्हारी दीदी और कुछ भी हो लेकिन चाय बहुत अच्छी बनाती हैं। फिर चाय का प्याला चूमकर चाय पी गए। अच्छा दीदी, चाय पीने से पहले उन्होंने प्याला क्यों चूमा? कल तुम्हें क्लास में पता चलेगा। हाँ दीदी, पिकनिक में जब आप खाना परोस रही थी तो इतना सारा पुना दे दिया उन्हें। क्या आपको पहले से पता था कि अजय भाई सब कुछ ज्यादा खाते हैं? क्या है सोमो, तुम हर वक्त बेकार की बात याद करने लगे हो। कुछ और भी बात याद है तुम्हें? हाँ है ना, अगले महीने 10 तारीख को मेरी बर्थडे है ना दीदी। चलो तुम्हें अपने जन्मदिन तो याद रहा। दीदी इस बार मैं अपने जन्मदिन पर अजय भाई सबको बुलाऊं? नहीं। क्यों दीदी?
एक बार नहीं कह दिया तो नहीं। सोमू, आजकल तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। पढ़ाई लिखाई में मन लगाने की जगह फालतू बातों में मन लगाने लगे हो। जाओ अपनी पढ़ाई करो। जी। दीदी से मैंने कहा पर वो कहती है नहीं। सोमू, मैं तुम्हारे बर्थडे पर कैसे आऊंगा? अब तो मेरे बर्थडे पे पूरा एक महीना और है। इस वीक में दीदी को मना लूंगा। आप घबराइए मत। नहीं दोस्त, तुम्हारे होते हुए घबराने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। लेकिन एक बात बताइए, दीदी आपसे इतना नाराज क्यों है? वो तो कभी किसी से नाराज नहीं होती, फिर आपसे क्यों है? यही तो मैं भी जानना चाहता हूँ दोस्त। खैर जाने दो, चलो तुम स्कूल छोड़ दे। अरे तुमने तो मुझे बताया नहीं कि तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर क्या चाहिए। बताऊं? हाँ सच? बिल्कुल। मुझे अपने बर्थडे पे एक चाहिए। अरे तुम तो खामखा परेशान हो। एक 6 फुट का लहीम शहीम आदमी जादू से उड़न छू हो जाएगा। जादू से उड़न छू हो जाएगा? एक आदमी सुबह से गायब है और तुम हो कि? मैं भी बेकार में इधर उधर टहल रहा हूँ, न कहीं आ रहा हूँ न कहीं जा रहा हूँ। छोटे सरकार के इंतजार में मक्खियां मार रहा हूँ। मैं तो यहाँ हूँ। क्या बात है मुनी? अरे रेखा तुम कब आए? हाँ नहीं बताएंगे। क्या बात है डॉक्टर? अचानक ही नतार ने चिट्ठी। रेखा दीदी प्लीज प्लीज माफ कर दो, प्लीज प्लीज। हाँ तो बताओ। हाँ यहाँ हो क्या रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं। हाँ अच्छा। हाँ तो फिर बताओ सारा दिन गायब कहाँ रहे? अरे और कहाँ रहे होंगे, उसी विश्वकन्या के साथ। जहर को अमृत में बदल रहे होंगे। अक्यूबे कहाँ तक पहुंचे? डॉक्टर के बच्चे तुझे? मेरी बहन जी हमारी प्राइवेट चिट्ठियां बाहर वालों को दिखाती है। गुड। अच्छा अब हम बाहर वाले भी बन गए? अक्यूबे कल तुम तेरे खानदान के दामाद बनने जा रहे हैं और तुम्हें बाहर का आदमी कहता है। माफ कीजिए छोटे सरकार, मैं फिर से घुस रहा हूँ। अगर इजाजत दें तो कुछ काम की बातें भी हो जाए। बोलिए। अब बोलना क्या है, नगाड़े बजवाइए। अदालत से आर्डर लेकर आ रहा हूँ। हवेली में गैर कानूनी तरीके से रहने वालों को हवेली खाली करनी पड़ेगी, और है भी 3 अदद प्राणी, एक बूढ़ा नौकर, एक बच्चा और वो महारानी। और हुजूर कहीं फौजदारी ना हो जाए, इसमें दरोगा को भी पटिया के आ रहा हूँ। हाँ एक जरूरी बात मुझे आपसे कहनी थी मुनीम जी। फरमाइए। आज से हवेली के सारे मामले मैं संभालूंगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ छोटे सरकार? बड़े सरकार ये जानना चाहेंगे कि हवेली का मसला तय हुआ या नहीं। बड़ा जिम्मेदारी का काम है मुनीम जी। जितना काम मैं आपके जिम्मे करूं, उससे ज्यादा जिम्मेदार बनने की कोशिश न करें तो मुझे खुशी होगी। भगवान बचाए जमीन जायदाद। मुनीम जी बड़े सरकार, मैं ये कह रहा था कि जमीन जायदाद के मामले में जज्बात की जरूरत नहीं। भगवान बचाए, वैसे मैं छोटे सरकार की कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ। मैं तो कह रहा था कि उनका रवैया कोई ढीला ढाला है। अगर हुक्मनामा आप मुझे दे दें तो फिर मैं देख लूंगा कि कौन कितने पानी में है। क्या दोस्त कैसे हो तुम? बहुत दिनों से दिखाई नहीं पड़े। दीदी की देखभाल करनी पड़ती है ना। देखभाल? क्या हुआ है दीदी को? आप नहीं जानती? नहीं। दीदी को 3 दिन से बुखार है। बुखार? अब मैं दीदी को देख सकता हूँ? आप चलेंगे? हाँ। लेकिन ओहो दीदी क्या कहेगी, यही ना, ऐसी बीमारी की हालत में दीदी कुछ नहीं कहेगी। एक काम करो, अब तुम जाओ, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। अच्छा। ठीक है जाओ। नर्वस? नहीं तो ये बात नहीं है, बात ये है कि हाँ
आज जरा सी बात पर झगड़ पड़ी, शायद इसलिए बुखार आ गया। अरे प्यारे, प्यार में तकरार ना हो तो सब बेकार है। डरो मत, बजरंग बली का नाम लो और अंदर। हम लोग अंदर आ सकते हैं? आप आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए। किसी पड़ोसी की तबीयत खराब हो तो अच्छे पड़ोसी को उनकी मदद करनी चाहिए। हेल्प थाई नेबर सेज द बाइबल। आपको यहाँ बुलाया किसने? जी किसी ने नहीं, बीमारी में बिन बुलाए आना चाहिए, क्यों डॉक्टर? ऑफ कोर्स। इनसे मिलिए, ये है डॉक्टर रविकांत, एमबीबीएस एमआरसीपी, मेरी बहन के मंगेतर और आपके डॉक्टर। हेलो, मैं कहती हूँ आप जाते ही या नहीं? जाने दीजिए मैडम, कभी कभी ऐसा हो जाता है। क्या होता है? मतलब लड़ाई झगड़ा, लेकिन बुखार में गुस्सा आने से प्यार और मतलब बुखार और बढ़ जाता है। आपका दिमाग तो सही है। जी बिल्कुल सही है, अब आप डॉक्टर को नब्ज तो दिखाइए। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अब आप एक अच्छे मरीज की तरह डॉक्टर की बात मानिएगा कि नहीं? हाँ दीदी, एक बार दिखला दीजिए ना, कल रात को भी आप कह रही थी बहुत बुखार है, बहुत दर्द है। अच्छा, तो ये सब आपकी करतूत है, बिना पूछे सारी दुनिया में ढूंढ रहा पीटा है कि मैं बीमार हूँ? अगर मरीजों से पूछना पड़े तो? मैं सोमू से बात कर रही हूँ और किसी से नहीं। अच्छा आप मुझसे तो बात कीजिए, अरे इनको बुखार है, जीप देखें? नहीं। जीप दिखलाइए। नहीं। आप जीप दिखलाती हैं या नहीं? बीमार का क्या हाल है डॉक? वेरी सीरियस। क्या मतलब? जिंदगी और मौत का मामला। क्या पकड़ रहे हो डॉक, ऐसी कौन सी बीमारी है? लवोमेनिया। क्या? जी हाँ, लवोमेनिया। और ये बीमारी अगर एक बार चढ़ जाए तो उतरने का नाम ही नहीं लेती, और ये बीमारी उसे नहीं तुम्हें हो चुकी है। डॉक्टर के बच्चे? जी हाँ साले बाबू, और एक बात और है, विष कन्या तो फुंकार मार मूर के एक दो दिन में रेंगने लगेगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? डैडी को पता चल गया तो होने वाले जीजा जी, हम आपकी शादी कैंसिल करवा देंगे। क्या? ये हमके पसंद नहीं। सुना तुमने, ये बात हमके बिल्कुल पसंद नहीं। वो दुश्मन का बेटा यहाँ क्यों आवा रहा, का काम है उसका यहाँ? और अच्छी तरह सुन लो, अगर उसने फिर से यहाँ आवे का हिम्मत की तो हाँ। एक बुत से मोहब्बत करके, एक बुत से मोहब्बत करके मैंने यही जाना है, समझा इस जो ना समझे, समझा इस जो ना समझे, दिल ऐसा दीवाना है, एक बुत से मोहब्बत करके। उसका गम जी को लगे तो जग का कोई गम नहीं, चल पाओ दिलों पे रख के, चल पाओ दिलों पे रख के, उसका ही जमाना है, एक बुत से मोहब्बत करके। फूल चंपे का हसी बेहद मगर खुशबू नहीं है, मेरे महबूब में
कुछ वफा की भू नहीं, कुछ भी हो मुझे घर अपना, कुछ भी हो मुझे घर अपना, उस गुल से सजाना है, एक बुत से मोहब्बत करके मैंने यही जाना है, समझाए से जो ना समझे दिल ऐसा दीवाना है, एक बुत से मोहब्बत करके। इतनी मुश्किल से तो राजी हुए उसे दिखाने के लिए। अब ये तो बताओ भैया कि वो दिखने में है कैसी, क्या बहुत सुंदर है, मुझसे भी सुंदर, एकदम बदसूरत। कर लो मजाक, मगर मैं कह देती हूँ अगर वो मुझे पसंद नहीं आई तो मैं। अरे ये हरी काका क्या कर रहे हैं? वो अपने आप को क्या समझती है, उसे हमारा इस तरह अपमान करने का अधिकार किसने दिया? आपको यहाँ रहना है तो रहिए, मैं इस जहन्नुम में अब एक पल भी नहीं रहूंगी। मैं जानना चाहता हूँ मेरे पिताजी और ठाकुर साहब की कंपनी का दिवाला क्यों निकला, उनकी दोस्ती दुश्मनी में क्यों बदली? छोटे सरकार, बीती बातें जानने से क्या फायदा, मेरी तो विनती यही है कि पुरानी बातों पर न जाएं तो अच्छा है। लेकिन ठाकुर साहब की बेटी हमें इतनी नफरत की निगाहों से क्यों देखती है? आखिर वो बुराई कौन सी है जिसकी वजह से हमारी सारी अच्छाइयों पर पानी फिर रहा है? क्या ही उचित होगा कि एक पुत्र अपने पिता की ईमानदारी की जांच करे? मतलब आपके पास कोई सबूत है? वक्त निकाल कर जरा पढ़ लीजिएगा। छोड़ जाकर ये तार आया है शहर से। डैडी, डैडी आप अच्छी तरह से जानते हैं मेरे दिल में आपके लिए कितना मान है और जिंदगी भर तक रहेगा भी। दुनिया आपके बारे में जो कुछ भी कहे लेकिन मैं वही मानूंगा जो आप कहेंगे। डैडी, एक बार डैडी, सिर्फ एक बार मुझसे कहिए कि आपने किसी को धोखा नहीं दिया। डैडी, किसी से बेइंसाफी नहीं की। एक बार डैडी प्लीज, एक बार। छी अजय, ये वक्त है इन सवालों के पूछने का, देखते नहीं कितनी तकलीफ में है ये। रानी बिटिया, अरे ए रानी बिटिया, अरे कहाँ हो रानी बिटिया, रानी बिटिया, रानी बिटिया, अरे भगवान के संसार में इंसाफ है, चांद सूरज अब अहिनो उगा करते हैं। अरे कुछ कुछ खबरी सुना तुमने? क्या हुआ रे काका? अरे पापी मथुरा प्रसाद मर गया। मरते समय अपने लड़कन बच्चन को भी ठीक से नहीं पहचान सका। चलो एक पापी के जाय से धरती तो हल्की भई। अरे काका कितनी दुख की बात है कि आप ऐसे ओछी बातें कर रहे हैं। जो चले गए उनके लिए कुछ भी कहना छोटापन है। हम तो कहेंगे रानी बिटिया, अरे हम तो पानी पी पी के कोसेंगे। हे काली मैया, यही तरह एक एक करके सारे कलंकी वंश का सत्यानाश हो जाए। जी हरि काका, किसी को बदुआ देने से पहले कुछ तो सोचो। वो कैसे भी थे लेकिन वो भी किसी के पिता थे, उनकी संतान आज उतनी ही दुखी होगी जितने कभी हम थे। हरि काका, किसी के दुख पर इस तरह खुशियां मनाना इंसानियत नहीं। सुनो भाई।
भाइयों सुनो, कान खोल कर सुनो, खलक खुदा का, हुकुम सरकार बहादुर का, फरमान छोटे सरकार का, हर खास और आम को जरूरी इतला दी जाती है कि हवेली और उसके अंदर का सब सामान जन्नत अफरोज जनाब मथुरा प्रसाद के इकलौते पिल्स अजय प्रकाश चौधरी की मिल्कियत है। जो लोग गैर कानूनी ढंग से हवेली का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें ये इतला खास दी जाती है कि वो 7 दिन के अंदर अंदर हवेली बाइज्जत खाली कर दे, नहीं तो जबरदस्ती से काम लिया जाएगा, यानी कि उन्हें बेइज्जती के साथ हवेली से बेदखल किया जाएगा। मैं कह रहा हूँ जोर से बजाओ और जोर से बजाओ, इतने जोर से बजाओ ताकि सुनने वालों के कान के पर्दे फट जाए। दीदी, ये लोग हवेली से किसे निकालना चाहते हैं? हम लोगों को? रानी बिटिया, रानी बिटिया, अपनी आंखन से देख लो, अपनी कानन से सुन लो, तुम्हारी अच्छाई से इनकी बुराई नहीं बदली, सब एक है थैली के चट्टे बट्टे हैं। अरे नागनाथ का बेटा सांपनाथ, हे भगवान, हे परमेश्वर, कहाँ हो तुम? का तुम हूँ अंधे हो गए हो, का तुम हूँ बहरे हो गए हो, का तुम हूँ पराया हो गए हो भगवान? मैं जानना चाहता हूं आपने मनमानी क्यों की, हवेली के दरवाजे पे आपने नोटिस क्यों लगाया, किसके हुक्म से? अपने मालिक के हुक्म से। झूठ! मैंने कभी ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया। हुक्म आपका नहीं, बड़े मालिक का है। यह रहा मालिक का हुक्मनामा। मैंने आज तक कोई सेवा बड़े मालिक के आज्ञा के बिना नहीं की। तो आप छोटे मालिक की आज्ञा सुनिए, आज के बाद आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं, आप अपने घर बैठिए, आपकी तनख्वाह हर महीने आपके घर पहुंच जाएगी। जिंदगी भर की चाकरी का अच्छा इनाम पा रहा हूं। जो लोग अपनी खुद गर्जी की नौकरी करते हैं उन्हें ऐसा इनाम मिलता है। ठीक है छोटे सरकार, अब तो जा ही रहा हूं, मगर एक बात कहे जा रही हूं, भगवान बचाए पछताना पड़ेगा। भैया, आपने कितना सख्त कदम उठाया है, कहीं वो हमारा कोई नुकसान ना कर दे। वो हमारा सबसे बड़ा नुकसान कर चुका है रेखा जी। उसने तो हमें उन हवेली वालों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। मैं समझी नहीं भैया। क्या बताऊं रेखा, धोखाधड़ी बेईमानी बेइंसाफी की बड़ी लंबी दास्तान है। सच रेखा, हमारी अमीरी इसलिए है कि हमने किसी को गरीब बनाया। भैया। हाँ रेखा, जब हमारा बचपन धन दौलत से पाला पोसा जा रहा था तब किसी और का बचपन पाई पाई के लिए मोहताज था। जब हमारी ये जवानी किसी वरदान की शीतल छाया में बड़ी हो रही थी तब किसी और की जवानी अभिशाप में झुलस रही थी। रेखा, मैं जब भी ये सोचने बैठता हूं तो मैं कह रहा हूं मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें ये केस लड़ना चाहिए। देखता हूं कि हवेली पर कैसे कब्जा करते हैं। जिंदगी भर चोरी डकैती करके दूसरों का माल लूटते रहे, ऐसे धन्ना सेठों का भंडाफोड़ होना चाहिए। बस तुम मुकदमे के लिए हाँ कर दो बेटा। मुझे किसी पर कोई मुकदमा नहीं चलाना है। भगवान बचाए, अपनी पुश्तैनी जमीन जायदाद को यूं ही निकल जाने दोगे? जमीन जायदाद अब हमारी है ही कहाँ। मैं जो वचन दे रही हूँ कि पूरी मदद करूंगा। मुझे भगवान को छोड़कर और किसी की मदद नहीं चाहिए। एक बात और, हम जब तक यहाँ हैं हमें शांति चाहिए। अगर आप भूलकर भी इस तरफ आने की कोशिश ना करें तो हमें खुशी होगी।
हाय दोस्त। अरे आप शहर से कब आया जब भाई साहब? मैं आज ही आया हूँ। तुम कैसे हो सोमू? और सब लोग? सब लोग अच्छे हैं। मैं, हरी काका और दीदी। सोमू देर हो रही है, मैं जाता हूँ। अजय भाई साहब आप हमारे वहाँ आइए ना, आपसे बहुत सी बातें करनी है। सोमू हवेली के मालिक से कह दो हम बहुत जल्द हवेली खाली करके जा रहे हैं। अपनी दीदी से कहो सोमू, मेरी गैर हाजिरी में जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। मैं तो वापस आया हूँ माफी मांगने के लिए। सोमू हवेली के मालिक से कह दो माफी मांगना माफी देना कोई बच्चों का खेल नहीं, घर चलो। सोमू मैं सचमुच दिल से माफी मांग रहा हूँ। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ मेरी गैर मंजूरी से उस आदमी ने जो गलती की उसके लिए मैं जाऊं। अजय भाई साहब मैं फिर मिलूंगा। नैन जले अभिमान से
तक रुचि रहोगी राधा रानी, यूं कब तक रुचि रहोगी राधा रानी। नहीं नहीं, मुझे सब नहीं चाहिए। सोमू, तू मेरे राजा भैया है ना, फिर मेरी बात क्यों नहीं मानता? नहीं मानूंगा, मुझे नई किताब चाहिए, नए खिलौने चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, सिर्फ साइकिल चाहिए। तुम्हारे अगले जन्मदिन पर जरूर साइकिल दिलवाएंगे, देखना मुन्ना, अभी तो बाबूजी भी नहीं है, तुम्हारे अगले जन्मदिन पर तुम जो चाहोगे वो मिलेगा। तो फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुन्ना, इतनी छोटी सी बात पर रोया नहीं करते। मेरे सब दोस्तों के जन्मदिन पर जो मांगते मिलता है, सबके पास साइकिल है, सब अपनी साइकिल मुझे छूने भी नहीं देते। काका, ये क्या कर रही हो रानी बिटिया? इसे बेचकर सोमू के लिए कच्ची साइकिल ले आओ। नहीं रानी बिटिया, एक हम नहीं बेचब, तुम एक एक करके सारे गहने बेच चुकी हो, ये आखिरी निशानी है बेटा। हरी काका, तुम समझने की कोशिश करो, सोमू मेरे एक ही भाई है, उसकी खुशी सबसे पहले है। हेलो दोस्त, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, किसी ने मुझे बुलाया तो नहीं, फिर भी याद रहा, तुम्हारे जन्मदिन पर तोहफा लाया हूँ, अब स्कूल में तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा। माले आया सरकार। तुम जाओ। अच्छा सरकार। साइकिल सोनो, खबरदार जो तुमने उस चीज को छुआ भी। माना कि लोगों के पास लुटाने के लिए पैसा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी से दया की भीख चाहिए। जी मैं समझा नहीं। हम गरीब हो सकते हैं, हम जानते हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपने छोटे भाई की एक छोटी सी इच्छा पूरी कर सके, लेकिन इससे एक बाहर के आदमी को क्या अधिकार है कि हमारे इस तरह अपमान करे। हरी काका, इस चीज को उठाकर बाहर फेंक दो, एक गरीब बहन के गरीब भाई को इतना अमीर तोहफा नहीं चाहिए। हरी काका, सुना नहीं तुमने? ना, ये हमसे ना हुई। ताज्जुब होता है कि कोई इतनी नफरत, इतना जहर लेकर जी सकता है। पीता हुआ कल आपके साथ इतना आज है कि आप एक छोटे से बच्चे की छोटी सी खुशी का खून कर रही हैं। खून का सिलसिला तब शुरू हुआ था जब किसी ने दोस्ती के नाम पर दोस्ती का ही खून किया था। ये भी तो देखिए, एक आदमी पिछले कलंक को मिटाने के लिए तड़प रहा है, जो हो गया उसे भूल करके आने वाले अच्छे कल को अपनाया नहीं जा सकता। नहीं, कभी नहीं। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मेरे बाबूजी की मौत एक ऐसी दुनिया में हुई थी जहाँ दोस्ती, अपनापन ये शब्द कहीं सुनाई नहीं दिए थे। जिन्होंने बाबूजी की जान ली उन्हें मैं माफ नहीं करूंगी, एक बार नहीं, सौ बार नहीं। ये आपका नहीं, यही आपका अभिमान है, और इस अभिमान का जरा सा तिनका भी आंख में पड़ जाए तो सच्चाई का हिमालय नहीं दिख सकता। इसलिए जब जब मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तब तब मेरी मुलाकात दुश्मनी से हुई, जब जब मैंने पिछले तकरार को सच्चे प्यार से खत्म करने की कोशिश की तब तब इनकार मिला। धीरे धीरे आपने अपने आप को किसी बंद गली के आखिरी मकान की तरह बना लिया है जहां से होकर कोई रास्ता नहीं जाता। मलिका जी, एक बार सोचिए ना, एक बार अपने आप से पूछकर देखिए ना, क्या आप इस मकान से बाहर आना नहीं चाहती? खुले आसमान के नीचे, धूप में, हवा में। बड़े लोगों को बड़े बोल बोलने की आदत होती है, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो बड़े हैं और हम छोटे हैं। इसका मतलब हम, मुझे जाना चाहिए, जाना ही पड़ेगा। जहां प्यार हारता हो नफरत जीतती हो, वहां से जाना ही पड़ेगा। दोस्त, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, आखिरी बार हाथ नहीं मिलाओगे? अजय भाई साहब, और हां, आपकी नफरत के इस बड़े हमले में एक छोटी सी बात रह गई है, बात खुशी की थी, मौका भी खुशी का था। सोच रहा था आज अपने सोमू की वर्षगांठ है,
तो उसमें खुशी की एक गांठ और जुड़ जाएगी। ये हवेली के कागजात हैं जिन्हें मैं हवेली के असली मालिक को लौटाने आया था, पर अब तो कोई भी दी हुई चीज स्वीकार नहीं करती ना, और ये मेरे किसी काम के नहीं, इसलिए किसी टूटे हुए संबंध की तरह इनका बिखर जाना भी ठीक ही है। आज से आपके पुरखों की हवेली आपकी अपनी है, और कभी भी कोई भी बाहर का आदमी आपके सुख और शांति को तोड़ने नहीं आएगा। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, अब मैं कभी तुमसे अपने जन्मदिन पर कुछ भी नहीं मांगूंगा, कुछ भी नहीं मांगूंगा।
कभी एक दिन देखा है पिघल जाते हैं बन जाते हैं शीतल नीर झरनों में बदल जाते हैं तेरी पीड़ा से जो पिघले ये नहीं कोई और है मेरे उदास मन चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम तेरी मंजिल ये नहीं कोई और है देखो देखो वाह भगवान करे मेरी बहन का चांद जैसा चेहरा हमेशा चमकता रहे झूठे मान अभिमान की बदली इसे कभी छूने न पाए भैया अब तो आप इस घर में बिल्कुल अकेले रह जाएंगे अकेले क्यों मेरी तमाम किताबें हैं कुछ भूली बिसरी यादें हैं और फिर तुम लोग भी तो दूर नहीं हो जब भी जी घबराएगा चला आऊंगा यार अब तो तुम हमारे साले हो गए इस मौके पर एक छोटी सी शिक्षा देना चाहता हूं कहते जब एक प्यार धोखा दे जाए तो दूसरा प्यार फटाफट कर लेना चाहिए एक दूर के रिश्ते में बहुत ही अच्छी लड़की है अगर तुम कहो तो वहां बात छेड़ी जा सकती है नहीं डॉक्टर मेरी बात कुछ ऐसी है कि चलाई नहीं चलती और वैसे अगर प्यार प्यार है तो एक बार किया जाता है चलो मल्लिका जी क्या आप इस मकान से बाहर आना नहीं चाहती खुले आसमान के नीचे धूप में हवा में दीदी 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 देखो तो कौन है कौन है मेरे उदास मन चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम मेरी मंजिल ये नहीं कोई और है मेरे मन चल दोनों कहीं दूर चले मेरे हमदम तेरी मंजिल ये नहीं कोई और है
साहब आज तो बहुत देर कर दी। हाँ खाना लगा दूं साहब? नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। हाँ मलिका, क्या कर रही हो तुम? जाग रही हो? कुछ सोच रही हो? क्या हमेशा की तरह नफरत कर रही हो अपने दुश्मन से? आप लोगों को तो मालूम ही है, पिछले 5 साल से हमारे स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं। सरकारी ग्रह और पंचायत की मदद से भी मुश्किल से स्कूल का खर्चा निकल पाता है। और फिर आप लोगों की तनख्वाह बढ़ानी भी बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे स्कूल के बच्चे गरीब परिवार से आते हैं, उनकी फीस बढ़ानी भी बड़ी मुश्किल है। मैंने एक बात सोची है, इस गांव के लोग जो शहर में जाकर बड़े बने हैं, मैं उनके पास एक निवेदन भेजना चाहती हूँ सहायता के लिए। अगर वहां से भी सहायता नहीं आई तो मुश्किल है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हमारी लाइब्रेरी पुरानी है, हमारे पास किताबें भी नई नहीं हैं। लेकिन भाइयों, जितना चंदा आप लोग पिछले 10 साल से दे रहे हैं वो तो वही रहा, लेकिन किताबों के दाम 10 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। अब आप ही लोग बताइए कैसे क्या किया जाए। मुझे लगता है कि एक दिन ये लाइब्रेरी बंद कर देनी पड़ेगी। ये मंदिर तुम्हारे पुरखों का बनाया हुआ है रानी बिटिया, और वो ही इसकी देखभाल किया करते थे। उसके बाद इसका प्रबंध कमेटी के हाथों चला गया। तब से ना तो ठीक से पूजा पाठ हो पाता है और ना टूटन फूटन ठीक हो पाती। अब इसकी हालत कब सुधरेगी वो भगवान ही जाने। आज मैं बहुत खुश हूं मल्लिका, दुनिया में अभी अच्छे लोग हैं। अजय चौधरी को तो तुम जानती हो, उन्होंने ये 20,000 रुपयों का चेक भेजा है और लिखा है स्कूल बंद करने की कोई जरूरत नहीं, आगे भी भेजेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता कि स्वर्गीय मथुरा प्रसाद चौधरी का लड़का इतना दयालु हो सकता है। माननीय महोदय, मुझे पता चला है कि हमारे गांव की लाइब्रेरी की हालत बहुत खराब है। स्कूल के अलावा एक ही तो जगह है जहां लोग मिल बैठकर अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं, अपनी संस्कृति की चर्चा कर सकते हैं। मैं फिलहाल 500 नई किताबें और 10,000 रुपए भेज रहा हूं। आशा है हमारी लाइब्रेरी अब बेहतर हो जाएगी। ज्ञान के इस काम में मेरी सेवाएं हमेशा समर्पित हैं। आपका अपना अजय प्रकाश चौधरी। दिया, अरे रानी बिटिया कहां हो तुम भैया? अरे रानी बिटिया गंगा कसम आज तक कमाल हुई गवा। हुई गवाना हरे काका, जब ऑल इंडिया रेडियो हमारी ही हवेली में रहता है तो कमाल की खबरें मिलेंगी ही। बोलो क्या हुआ? ई कौनो हंसी मजाक का बात नहीं है बिटिया, बहुत गंभीर बात है। हम लोग उनके गलत समझा। ये उन्हें कौन है? अरे अजय बाबू और कौन, अजय बाबू स्कूल का मदद कहीं, वाचनालय का मदद कहीं, और अब मंदिर के 10,000 रुपया दीन है टूटे फूटे के मरम्मत के लिए। पत्थर पानी में तैर सकत है बेटा, लेकिन इतनी बड़ी अचंभे का बात हुई जाई ई। अरे बिटिया तुम कुछ हो नहीं बुढ़ी हो का बिटिया? मैं क्या बोलूं हरी काका, जब तुम खुद कह रहे हो कि 8वां आश्चर्य हो गया तो मान लेते हो गया। तुम हो हद करती हो रानी बिटिया, अगर अच्छी बात है तो मान लो और वह दिल से मान लो, और आगे से हम तुमको कौनो खबर नहीं सुनाएंगे। दीदी अजय भाई साहब बहुत अच्छे हैं ना? दीदी एक बार अजय भाई साहब को यह बुलाओ ना। दीदी तुम उन्हें चिट्ठी लिखोगी तो वो जरूर आएंगे,
फिर हम लोग पिकनिक मनाने चलेंगे। लिखोगी ना दीदी? और हाँ, ये जरूर लिखना कि मुझे उनकी बहुत याद आती है, इसलिए वो फौरन चले आए। नहीं कहा था सोमू, और लिखने से कोई फायदा भी नहीं, तुम्हारे अजय भाई साहब वापस नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे?
कुछ सवालों का जवाब नहीं होता है सोमो। आओ मल्लिका बैठो, एक जरूरी काम के लिए तुम्हें बुलाया है। सोचा है जिन्होंने हमारे स्कूल के लिए इतना किया, अजय बाबू स्कूल की तरफ से हम उन्हें मान देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकेगा, जिनको आप मान देना चाहती हैं सुना है वो यहां कभी नहीं आएंगे। अरे तुम्हें नहीं पता, अजय बाबू आए हुए हैं। हाँ कल मेरे घर आए थे, कह रहे थे कोई ऐसा प्रबंध करेंगे कि कभी भी स्कूल बंद होने की नौबत नहीं आएगी। कब आए हैं वो? 2 दिन हुए, सबको मालूम है, तुम्हें नहीं पता? जी नहीं। ये नोटिस आपको नहीं मालूम रानी बिटिया? अपने गांव में कोई अस्पताल तो है नहीं, और अपने छोटे सरकार ठहरे देवता आदमी, ये बंगला अपनी जमीन जायदाद सब कुछ अस्पताल के लिए दान कर दिया है। सुना है यहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हैं। हमेशा के लिए जा रहे हैं? हाँ, 1-2 दिन और ठहरेंगे, उसके बाद शहर चले जाएंगे। अभी इस वक्त घर में है क्या वो? नहीं, कहीं बाहर गए। उनसे कुछ कहना है रानी बिटिया? नहीं, कुछ भी नहीं कहना है। सोमो? हाँ दीदी। तुझे पता है तेरे अजय भाई साहब आए हैं? हाँ दीदी, उन्हें आए 2 दिन हुए। तूने मुझे बताया नहीं? मैंने सोचा आप नाराज होंगे मुझसे। नाराज? कोई भी आए कोई भी जाए, इसे मेरे नाराज होने की क्या बात है? तू तो नहीं मिला ना उनसे? नहीं दीदी, मैं आपके डर के मारे उस रास्ते गया ही नहीं। क्यों, मैंने कब मना किया तुझे? वो रास्ता तो सबका है, कोई भी आ जा सकता है, इसमें क्या है? तो दीदी मैं अभी जाकर मिलूं उनसे? नहीं, अगर उन्हें इतनी भी परवाह नहीं तो हमें क्या पड़ी है। Yeah!
अजय भाई साहब। कौन? अरे सोनू। हाँ कब आए? क्या दोस्त, कैसे हो? हाथ मिलाओ। नहीं मिलाऊंगा। क्यों? आपको आए कितने दिन हो गए, फिर भी आप हमसे एक बार मिलने तक नहीं आए। मुझे माफ कर दो सोनू, तुम कैसे हो? और साहब, दीदी बहुत बीमार है। बीमार? हाँ, डॉक्टर साहब का कहना है। क्या कहते हैं? कहते हैं दीदी बहुत बीमार है। सोमू, तुम्हारी दीदी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ सोमू, हाँ मैं एक बार तुम्हारी दीदी से मिल सकता हूँ? मैं तो आप ही को लेने आया था। तो चलो। हाँ दीदी। अरे तू इतनी देर से कहाँ गायब था? दीदी क्या हुआ? दीदी मैं वो दीदी कोई आपसे मिलने आया है। कौन आया है? मालूम नहीं, लेकिन कह रहे थे मुन्ना एक बार अपनी दीदी को बुला दो, बहुत जरूरी काम है। उन्होंने अपने नाम नहीं बताया? नहीं, लेकिन कह रहे थे बहुत जरूरी काम है। तो चलो देखें। नहीं दीदी तुम जाओ, मैं खेल रहा था ना तो गिर गया, धूल लग गई, हाथ पांव धोकर आता हूँ। विश्वास कीजिए, यहां आकर आपकी सुख शांति को तोड़ने का इरादा नहीं था मेरा। सोमू ने बताया कि आप बहुत बीमार हैं, मन नहीं माना चला आया। यहां आने की गलती मेरी है और मैं वादा करता हूं दोबारा यह गलती नहीं होगी। जाने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिएगा। सुना है अपराध कितना भी संगीन क्यों न हो, सजा पाने से पहले एक बार सफाई पेश करने का मौका दिया जाता है। क्या उस दिन इस काबिल भी नहीं थी? मानती हूं मैं अच्छी नहीं हूं, मुझ में अहंकार है, अभिमान है, लेकिन क्या जरूरी था कि कोई और भी उतना ही निर्मम, उतना ही संगदिल बन जाता? इतनी बड़ी सजा कैसे दे सके आप? नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर मैं इसे क्या कहूं जबकि लोग आपको तारीफों की माला पहनाते रहे और मैं अजनबी की तरह बाहर खड़ी होकर सिर्फ देखती रही, अंदर जाने का हुक्म भी नहीं मिला। इसे क्या कहूं, आपके आने की सिर्फ खबरें सुनती रही लेकिन आप आकर भी नहीं आए। ये जानने तक नहीं आए कि हम कैसे हैं, है भी ये नहीं। क्या बताऊं, आना कितना मुश्किल था। एक तरफ आपके साथ हुई नाइंसाफी की शर्म, दूसरी तरफ इंसाफ करने की नाकामयाबी का गम। इतना बोझ लेकर आना कितना मुश्किल था, लेकिन भगवान जानता है कि पिछले एक साल से हर दिन हर पल मेरी आंखों में, मेरी सांसों में, मेरे सपनों में एक ही प्रतिमा बसी है और वो हो तुम। हाँ मलिका, तुम।